तोर बाप महतारी? भैया कोई नहीं है। कौन मर गया? हाँ भैया। ए सारे गजब रहन तो का पैदा का जोन मार दे। ले हम ले है ये तलम पे। आज के बाद दे थे रुपया। ले तोरे तोरे क्यों ना बे? नहीं भैया। क्यों ना बे? हमारे क्यों ना? अच्छा भैया बहुत बहुत आपका मान के भैया मुझे कोई काम पे नहीं रखते। अरे हम तो बाजी हम मिल गए काम हम रखब ना अब रखेंगे तो ही रख ले भैया तो ही रख ले हां तो ही रख ले जब कर पाप पर ए तो ही ले ए तो ही रख ले 600 रुपया अरे राजी तो ही रख ले अरे ऐसी है अरे जरा जिन हम तो का चल खाना पीना कुल मिले व्यवस्था का भी कपड़ा लत्ता मिले। कहाँ भैया? अरे हम ओके नौकर राजा है। अच्छा वहाँ के नौकर अब राजा है? नौकर राजा है और तो का हम नौकर रानी बुला दे। अच्छा भैया है पागल हट 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 मैंने मुझको दिए है। अरे जंगल में मके राजा है बाबू। नहीं नौकर राजा है। नौकर राजा है। हमारे महाराज की है रोटी उती बनो जाना थे। हाँ भैया वो भी बनाना जानते हो। मोट पतील से ना हो? अरे अगर मोट को मोट बनाओगे पतील को पतील बनाओगे। हाँ मोट मोट बनवाए को होए वो भी बनाओगे। महारानी और राजा हो जाए पतील पतील हमें बदे मोट मोट ठीक है। हाँ। चला हमारे संगे जितना मोट आप कहे उतना मोट आप। हाँ बटुल उटुल साफ करे जाना थे। हाँ भैया आप सब बटुल साफ कर दो। अच्छा अच्छा हमारे संगे चल तो नौकरी लगा दे। चल तो का पहले रास्ता में खिया ही पिया ही। चलिए भैया हेलो नौकर क्या हुआ? महारानी जी हाँ एक मिनट कोई बेचारी भीख मांगत रही। अच्छा भीख मांगत रही गयो का देखे भीख बड़ी निकला बहुत निकले। अच्छा और हम कहे रोटी उठी बनवा जान का यहाँ जी हाँ तो ओका लिया आया है कहा लिया आया है दरबार में लाए हो ना? हाँ वही वही खड़ा कराए। ठीक है जा लाओ ठीक है। और सच धज के जिस दिन मौत की सहजा दी जाए के सच हज के जिस दिन मौत के सहजा दी जाए के कि सच धज के जिस दिन मौत की सहजा दी जाए के और ना सोना का वो आएगा ना चांदी आएगे ना सोना का वो आएगा ना चांदी आएगे। भैया भैया जमोक डोरिए ढील हो चली जाती है। की बातिल अपने कमरम बैठ बातिल लेकिन एक बात बात रानी साहब आने जाए नमस्ते नमस्ते कह ली जरा जी हम बातिल है। हां और कुछ पर हम बातिल अब ओए मत नौकर
खुश रहो खुश रहो, सदा जीवित रहो सुहागर रहो। ये बेचारी खाएं बिना मोटान गए नौकर। हाँ। यही नौकरानी लाए हो? हाँ। ठीक है, बहुत सुंदर है। पूछ ले रोटी रोटी बनवा जाना था। आ रही हो कहाँ से भिखारन बहन, हमें साफ बतला के महारानी जी। हाँ हाँ महारानी जी, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी। क्या कह रही हो? क्यों आज तक किसी ने इस सब और इस बारिश से मुझे नहीं पुकारा? हाँ हाँ सही है, क्यों आप रो रही हैं? आप बतलाइए। और जब दस बरस और प्यारी महल तर्या।
नारायण, आज से तुझे भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। अगर तुम भीख मांगते मांगते चलते चलते मेरे राज हवेली में नौकर तुझे लाया है, लेकिन तुझे दो तीन काम करना पड़ेगा राज हवेली के अंदर। क्या भाई? पहले नंबर घर के अंदर झाड़ू पोछा ये काम करना पड़ेगा, बर्तन वगैरह साफ करना पड़ेगा। दूसरे नंबर खाना बनाना पड़ेगा। तीसरे नंबर समय समय पर चाय मुझे और मेरे पति जी को और मेरे नौकर को साथ साथ अपने को पीकर समय समय पर लाकर हाजिर करोगी। क्यों नौकर, चाय तो ही पिएगा, हम सब नहीं पिएंगे नौकर? पहले इसे ले जाओ, इसका कपड़ा जो ये सही नहीं है ना, मेरे जो है कि गोदरेज अलमारी से निकाल कर इसे दे देना कपड़ा, अच्छा सा साबुन वाबुन दे देना, नहा लेगी तब खाना वाना दे देना, खा लेगी तब घर का सारा काम करेगी। अरे भाई भूखी तो है ना वो। बहुत खूब सुंदर है, रहेगी मेरे काम में भी हाथ बटाएगी, मेरा कपड़ा धोएगी, घर का सारा काम काज करेगी, मेरे लिए खाना बनाएगी, चाय बनाएगी, समय समय पर मुझे और मेरे पति जी को लाकर हाजिर करेगी। अरे आई सुहाग किरणा बलमो पर जसवा सुधारे हो, आई सुहाग किरणा बलमो पर जसवा सुधारे हो, बढ़िया से पोछा मारू हम जाते तो मेरे चाट लाई।
इतना तो चाऊमीन लाई का। इस राजी पूरा अलग दरवाजा दिया देखा है का।